दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। आज मैं सोचकर हैरान हूं कि मैं उसी कौम का हिस्सा हूं। आज हमारे लोग ही हमें बर्बाद करने में लगे हैं। आज मैं ये सोचता हूं कि मैं उसी कौम का हिस्सा हूं। आज मुझे जुल्म के आगे बोलने से रोका जाता है, वक्त खराब है ये बोलकर टोका जाता है। लेकिन सुनो मुसलमानों, जुल्म के आगे चट्टान है हम। हमी टीपू कासिम सद्दाम है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे ना परेशान है। अरे हम वही उम्मती और वही मुसलमान है। सियासत करने का कोई शौक नहीं मेरे भाई, मुझे सत्ता की कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे इख्तदार का लालच नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। अगर मैं आपके बीच में आया हूं मेरे भाई, मेरा यहां वैसे भी मुस्लिम सियासत नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच में अगर इत्तेहाद का पैगाम दे रहा हूं तो तुम्हें जगा रहा हूं। मुसलमानों ज्यादा मुस्तैद हो, मुसलमानों सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब ये वक्त मेरे भाई, ये वक्त तुम्हें मिटा देना चाहता है। हिम्मत करो, एक एक बच्चे को असत पर साफ बनाओ मेरे भाई, एक एक बच्चे को असत पर साफ बनाओ और घरों से निकलो मेरे भाई। अब बड़ी तादाद में निकलो और अपने नुमाइंदों को कामयाब करो मेरे भाई। एक ताकत को बनाओ, एक भौसले को बनाओ मेरे भाई। मैं तुमसे इत्तेहाद की झोली पकड़ने आया हूँ मेरे भाई, भरोगे मेरी झोली इत्तेहाद से? हाथ खड़े करके बताओ मेरे भाई, भरोगे मेरी झोली इत्तेहाद से? भरोगे? नारे तकबीर। और मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि सुनो सुनो आरएसएस वालों, सुनो बजरंगदल वालों, सुनो खाकी चड्डी वालों, सुनो बंदर सेना राम सेना, हम मुसलमानों को अपने गुलाम और इस मुल्क को अपने बाप की जानी समझने वालों। अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलबीब और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इसराइली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। तुम्हें आजादी दिलाने आई है ओम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ओम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। सिला हमने कमाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा।